सुजुकी का पाकिस्तानी आवाम को लूटने का मंसूबा फेल हो गया। पाक सुजुकी की जानिब से कमर्शियल लाइन में एंट्री ख़त्म हो गई। इस प्रोडक्ट की वजह से सुजुकी कमर्शियल लाइन से आउट हो गई। ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से ये रनिंग प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो गया? क्या इस प्रोडक्ट में कोई कमी थी या फिर कमी थी पाक सुजुकी के डिसीजन में? जानते हैं इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल। पहले इस प्रोडक्ट को देख लें और चेक करते हैं कि क्या कहीं इस प्रोडक्ट में कमी तो नहीं थी। थोड़ा सा इसका रिव्यू करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, शेप तो इन्होंने इसकी ज़बरदस्त किस्म की दे दी थी, लाइक मिनी एपीवी टाइप की इसकी शेप दे दी थी। और इस गाड़ी के अंदर टायर भी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का दे दिया था, ठीक है। और इस इंटरसिटी अलाउ थी 2 से 2.5 टन वज़न के लिए, बेहतरीन किस्म की ये गाड़ी थी, ठीक है। और उसके बाद इसका इंजन का जो सीसी था वो भी तकरीबन 1493 सीसी के अंदर आपको इसका इंजन मिल रहा था। अंदर से अगर हम इसकी कैलिब्रेशन की बात करें तो डोर्स वगैरह हर चीज़ इसकी फर्स्ट क्लास ओके बनाई गई थी। स्टेयरिंग ज़बरदस्त और ड्राइविंग के सीट के साथ एक सीट स्पेयर मैनुअल गियर के अंदर ये आ रही थी और इसकी हॉर्स पावर भी ज़बरदस्त किस्म की थी, ठीक है। हर लिहाज से गाड़ी मुझे तो ये परफेक्ट नज़र आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद आगे हम देखें तो डाले की अगर हम बात करें तो जेन्युइन इसके साथ डाला आ रहा था, ठीक है। अच्छा गेज इस्तेमाल किया गया है, 14-10 गेज का फर्श, वो भी बैंडिंग के अंदर मजबूत फर्श इस्तेमाल किया गया। और ये मार्केट के अंदर गाड़ी बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी थी। कमानियों के पटे बैक साइड पर और फ्रंट साइड पर सुजुकी मेगा कैरी के वो भी मिल रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो टायर का साइज था वो भी ज़बरदस्त किस्म का, आपको मैं चेक करवा देता हूँ। आई थिंक इसका टायर 185/R16 का टायर था, ये देख सकते हैं 185/R16 का टायर। और 2 से 2.5 टन 3 टन तक भी लोग इसके ऊपर लोड जो है वो उठा रहे थे। तो फिर वजह क्या बनी, यकदम इतना रनिंग प्रोसेस, इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट सुजुकी ने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? सो फिर असल हकीकत आप लोग सुने। बेसिकली सुजुकी ने इसको लॉन्च किया 11 लाख रुपये कीमत में, ये सोच करके भाई इसने तो मार्केट में चलना ही नहीं, क्योंकि उनका एक प्रोडक्ट सुजुकी रावी पिकअप के नाम से मार्केट में इन है। इन्होंने 11 लाख के हिसाब से इसको लॉन्च कर दिया और फ्यूचर में सोचा कि अगर चल गया तो रेट हम इसका इंक्रीज कर देंगे। 11 लाख से 12 लाख में गया और 1 लाख डाउन के अंदर ये गाड़ी बिकने लग गई। 12 लाख की इनवाइस और 1 लाख डिस्काउंट के अंदर ये गाड़ी बिकनी शुरू हो गई। आस्ता 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 इसने अपनी पीक पकड़ना शुरू कर दिया। सुजुकी की इसके अंदर बचत बहुत माइनर सी थी, कम बचत थी। जब इस गाड़ी ने मार्केट में अपना रिजल्ट दिखाया, शो ऑफ किया, तो ये गाड़ी पीक पर चले गई और यकदम से सुजुकी को जब होश आई, भाई ये तो पल्ले से पड़ रही है, सुजुकी ने फिर इसका रेट किया इंक्रीज 13 से 14 से 15 से 16 लाख तक जब ये गाड़ी गई तो जनाब इसकी सेल आउट हो गई। जब इसकी सेल आउट हुई तो सुजुकी ने कहा भाई ये हमारा गलत डिसीजन हो गया, जिसकी वजह से पाक सुजुकी ने इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान से डिसकंटिन्यू कर दिया। एक गलत डिसीजन, प्रोडक्ट खत्म।